हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ चंद्रशी और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां पर हर कोई अपना नाम बनाना चाहता है, जहां हर कोई फेमस होना चाहता है, अपने सपने पूरे करना चाहता है। और सपनों की नगरी से जो नाम आता है वो आता है मुंबई का। मुंबई से ही आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा है, हस्ती है, जिनसे आज मैं आपसे रूबरू करवाऊंगी। हमारे साथ एक मुंबई से ही बहुत ही मशहूर हस्ती जो बहुत ही जल्द बनने वाली है, कशिश कुर्दिया नाम है उनका। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैम। थैंक यू सो मच। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके पास्ट में कैसा रहा, इनके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, और इसी के से आगे बढ़ाते हैं इस बातचीत को। सबसे पहले आप बताइए अपने बारे में। जी, मेरा नाम कशिश कुर्दिया है और मैंने फ़िलहाल एक वेब सीरीज़ किया हुआ है जो मार्च में रिलीज़ हुआ था, जो कि यूट्यूब पर है। और अभी मेरे काफ़ी प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं, जैसे कि मेरे पास 3 हिंदी मूवीज़ हैं, 1 इज़ विद जिमी शेरगिल, 1 इज़ विद गोविंदा, एंड 3 दिसंबर को मेरा, अभी ये जो 3 दिसंबर है उस वक्त भी मेरा एक शूट है, उसमें एक कैरेक्टर रोल है, अनूप जलोटा जी है उस मूवी में, और वो मूवी का नाम है मेरे पापा की लव स्टोरी। और एक तेलुगु मूवी भी है मेरे पास साउथ की, उसमें मेरा सेकंड लीड है और SS रवि कुमार उसके प्रोड्यूसर हैं। और मेरे पास एक अमेरिकन वेब सीरीज़ है, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट मैं जल्दी साइन करने वाली हूँ ये दिसंबर में। वेब सीरीज़ की आपने बात की, तो इसका ख्याल आपके दिमाग में क्यों आया, वेब सीरीज़ के लिए कैसे आपने? आजकल वेब सीरीज़ में काफ़ी स्कोप है, सब लोगों को, काफ़ी नए नए आर्टिस्ट हैं वो सब आ रहे हैं, सब लोगों को बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही है सब कुछ। तो आई थॉट यू नो, वर्क इज़ वर्क, वेदर इट्स बी वेब सीरीज़, वेदर इट बी प्रिंट शूट और वॉट एवर, सो वर्क इज़ वर्क। आई कंसिडर वर्क फर्स्ट, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट वी कम हियर फॉर वर्क। तो जब आप इस इंडस्ट्री में आई, आपने सोचा तो क्या सोचकर आप इस चीज़ में आपने बोला कि नहीं मुझे करना है तो यही करना है, इसके पीछे कोई वजह, कुछ खास वजह? ये मेरा बचपन का ड्रीम है, मैं जब 11 इयर्स की थी तब से मेरा ये ड्रीम है। तो मैंने फिर सोचा कि देर आए दुरुस्त आए, मुझे ये सपना तो पूरा करना है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जिस इंसान की ज़िंदगी में कोई ड्रीम नहीं, कुछ पर्पस नहीं ना, उसकी यू नो, आई डोंट बिलीव इन अ ऑर्डिनरी लाइफ, आई बिलीव इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एंड फॉर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ आपको बहुत मेहनत करनी है। मी टू केसेस अभी बहुत चल रहे हैं, मी टू के केसेस जो चल रहे हैं अभी हाल ही में, फ़िलहाल अनुमनिक पर भी सवाल उठाए गए थे, तनुश्री ने अभी सवाल उठाए हैं, और इससे पहले भी कई केसेस रहे थे, आपको इसके बारे में क्या कहते हैं, आपकी क्या राय? वेल, मुझे ये कहना है कि किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती तो होती नहीं है इधर, तो अगर मीटू वाला केस है तो आपको इतना लेट क्यों याद आता है, वाई, मतलब पहले आपको क्या हो जाता है, बाद में जब आप ये ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, तो तब आपको अपनी इज्जत की फिक्र नहीं। तो जब आपने ये मीटू वाले चीज़ में जब आप घुसे, जब आपने पहले वो चीज़ कर ली जिसके लिए आप अब ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मुझे एक्सप्लॉइट हुई, ये हुई वो हुई, तो पहले आप सोई हुई थी क्या? आपके फ्यूचर प्लान्स में और क्या क्या, मतलब कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी या फिर कोई वेब सीरीज़ का जो आपने नाम लिया अभी, तो सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट कौन सा होगा? अभी फ़िलहाल तो मेरा वो मेरे पापा की लव स्टोरी जो मेरी है हिंदी मूवी, तो उसी का अभी शूट होने वाला है 3 को, और दिसंबर एंड में मैं अमेरिकन वेब सीरीज़ का साइन करने वाली हूँ। एंथनी का भी इस अभी 20th, 21, 22, ये 3 दिन अभी एंथनी का वर्कशॉप होने वाला है, फिर वो डेट्स भी फाइनल हो जाएंगी, फिर वो भी स्टार्ट हो जाएगा साथ में ही। और मेरा 18th दिसंबर को मेरा ये मिसेस शो स्टॉपर हंट, मेरा ये भी अपना ब्यूटी कॉन्टेस्ट है ऐसे, और एंथनी स्टार्ट होते बैक टू बैक मुझे ये भी पता है कि परफेक्ट आइकन भी शुरू हो जाएगा, मिसेस परफेक्ट आइकन, और उसी के बैक टू बैक बाकी चीज़ें भी शुरू हो जाएगी, एज इन एज थिंग्स कम फॉरवर्ड मेनी थिंग्स गेट जॉइन टू इट। तो एक बार जब हम दिखाई देते हैं ना, एवरीबडी गेट्स यू नो अवेकेंड, ओ माई गॉड, शी इज़ द वन, या वी हैव हर, वी नीड टू स्टार्ट आवर वर्क, सो दैट, वो कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लो, तो वेन वी स्टार्ट वर्किंग थिंग्स जस्ट गेट लाइंड अप वन बाई वन बिहाइंड। तो ये थी हमारे साथ कशिश, जिन्होंने हमारे साथ साझा किया अपने
ख्याल कि वो क्या सोचती है और इंडस्ट्री में आने के बाद उनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। हमारे साथ बात करके आपने जो अपना कीमती वक्त हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कशिश। इसी के साथ मैं चंद्रश्री राजपूत, देखते रहिए द फैक्ट इंडिया।